नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी आरोह का आज का चैप्टर है स्पीति में बारिश, क्लास इलेवेंथ, चैप्टर नंबर 16। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता कौन हैं? स्पीति में बारिश इस पाठ के रचयिता कौन हैं? कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, प्रेमचंद। तो इसके रचयिता हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश ये किस विद्या से संकलित है? मतलब ये कहानी है कि निबंध है कि यात्रा है या रेखाचित्र है? तो ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? स्पीति मतलब कहाँ की जगह है, कौन से राज्य की तहसील है? हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, राजस्थान की? तो ये है हिमाचल की। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहुल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? तो अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहुल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? वायरलेस सेट से। वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहुल स्पीति में जाना कठिन है? 150 मील, 160, 170, 180। तो 170 मील तक लाहुल स्पीति में जाना कठिन है। कौन से मौसम में? वसंत ऋतु में। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? जोगा सिंह, दरियाव सिंह, जोरावर सिंह, होशियार सिंह। तो जोरावर सिंह के आक्रमण से भयभीत थे लोग और ये स्पीति को छोड़कर भाग गए थे। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितने से भी कम है? तो स्पीति की संख्या 4 वर्ग मील प्रति वर्ग मील 4000 से भी कम है। लाहुल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब मल, राजा गुलाब राय, राजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब चंद। तो लाहुल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? बोनो, टोनो, नोनो, पोनो। तो लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन नोनो चलाता था। सन 1960 में लाहुल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया? सन 1960 में लाहुल स्पीति को हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, तो पंजाब का जिला बना दिया गया। लाहुल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? लाहुल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला 1966 में बनाया गया। लाहुल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लाहुल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 फीट। तो इसकी पहाड़ों की ऊंचाई है 18,000 फीट। स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है? रावी नदी में, सतलुज में, झेलम में, व्यास में। तो ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ये क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? तो ये क्षेत्र 8-9 महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है। लाहुल में कितनी ऋतुएँ हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 ऋतुएँ हैं, एक तो वसंत ऋतु है और फिर ग्रीष्म ऋतु है। स्पीति में वर्षा कब होती है? सदा, कभी कभी, कभी नहीं, बहुत कम, तो कभी कभी होती है। स्पीति में कौन सा फल उगता है? स्पीति में कोई भी फल नहीं उगता। स्पीति में साल में कितनी फसलें होती हैं? स्पीति में साल में 1, 2, 3 या कोई नहीं, तो एक ही फसल होती है। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विदर्भ में, कैलाश में, विंध्याचल में, अरुणाचल में। तो कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? मानव मानसून जनशून्य असीम से, तो मानसून से परे है। ओ मणि पदम हूँ किनका मंत्र है? जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का, शैवों का, तो ये बौद्धों का मूल मंत्र है। संसार और दूसरा क्या अंतय है? तो संसार और दूसरा निर्माण, निर्वाण, निर्यात, निर्वचन, तो निर्वाण अंतय है। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? जीवन है, उत्साह है, अंधविश्वास है, मृत्यु है। तो लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया? ऋतु संहार, ऋतु प्रहार, ऋतु संदेश, ऋतु प्रसंग, तो ये ऋतु संहार में किया। लाहुल स्पीति में सुखद संयोग किसे माना गया है?
तो लाहुल स्पीति में सुखद संयोग वर्षा को माना गया है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।